अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। गर्मियाँ स्टार्ट होते ही कैट्स में फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती है, मुझे पता है। और अभी कुछ दिनों से मुझे कंटिन्यू इस टॉपिक पर वीडियोस के लिए कमेंट्स आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या करें, क्या उन्हें खाने में दें। तो आज मैं डिटेल में आप लोगों से इस बारे में बात करूँगी और कुछ मेडिसिन भी आप लोगों को बताऊँगी कि इस तरह के कैट्स को क्या देना चाहिए और किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन बहुत तकलीफदा बीमारी है। इसमें ना कैट्स मरती है और ना ही सुकून से जी सकती है। ज़ोर ज़ोर से वो तकलीफ़ की वजह से चिल्लाते रहती है। फंगल इन्फेक्शन होता क्या है? जब कैट्स को फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट होता है तो सडनली उन्हें एक जगह पर ऐसे खुजली होना स्टार्ट होती है। वो कंटिन्यूस उस जगह पर खुजाते रहते हैं और वहाँ के बाल निकाल देते हैं। वहाँ पर रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसे हॉट स्पॉट भी कहते हैं। ये बहुत तकलीफदा होते हैं। कैट वहाँ पर इतना खुजाती है कि वहाँ से बाल निकल जाते हैं और वो ब्लड आने तक वो खुजाते रहती है। उसके बाद में वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। फंगल इन्फेक्शन ये ज़्यादातर किटन्स को ही होता है, कैट्स को भी होता है, लेकिन किटन्स में होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इम्यूनिटी सिस्टम उनका बहुत वीक होता है। ये उन कैट्स को बहुत ज़्यादा होता है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, उन्हीं कैट्स को ये बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पर आपने एक बात का गौर करना है, ये देखना है कि आपकी किसी गलती की वजह से तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ है। मतलब कि अगर आप उन्हें शावर देते हैं, नहलाते हैं, उसके बाद में क्या आप उनकी स्किन को, उनके हेयर्स को अच्छे से ड्राई करते हैं, पूरा पानी अच्छे से सुखाते हैं या नहीं, तो वो उस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर उसके बालों में नमी रह जाती है तो अंदर अंदर वो फिर फंगल इन्फेक्शन के तौर पर उन्हें इन्फेक्शन होने लगता है। ये इन्फेक्शन बहुत स्पीड में फैलता है, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह पर पूरी बॉडी में होने लग जाता है। अगर ये इन्फेक्शन कैट्स को है तो उनसे किटन्स को दूर कर दो, और किटन्स को है तो कैट्स से उन्हें दूर रखने की कोशिश करो। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी कैट से आपको दूर रखना है, वरना ये इंसानों में भी बहुत जल्दी फैलना शुरू हो जाता है। अब बात मेडिसिन के बारे में, तो मेडिसिन में मैं आप लोगों को, मेरी हिमालयन कैट को जब ये इन्फेक्शन हुआ था तब मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद में उसे कहीं से भी आराम नहीं हो रहा था। लास्ट में जब उसे आराम हुआ तो कैफपेट, ये एक सिरप आती है, ये एक पाउडर फॉर्म में होती है, उनमें साथ में आपको पानी भी मिल जाता है, उसे पानी को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही आप उस पाउडर में पानी को मिक्स करोगे तो मिक्स करने के दिन से लेकर, जैसे मतलब आज आपने वो बॉटल में पानी मिक्स किया तो 7 डेज़ में आपको वो दवाई कंप्लीट करनी है। अगर नहीं होती है तो उसके बाद में उसे फेंक देना, और आप चाहे तो दूसरी ले सकते हैं, लेकिन वो बॉटल आपने 7-8 से 9 डेज़ नहीं पिलाना है, वो 7 डेज़ की ही उसकी एक्सपायरी होती है। और उसे आपको फ्रिज में रखना है, रूम टेम्परेचर पर आपको नहीं रखना है। वो आप अपनी कैट को 2 ml दे, दिन में 2 बार आप दे सकते हैं, और वो 30 ml की बॉटल होती है। अराउंड 7 डेज़ में वो 28-29 ml खत्म हो जाती है, तो उस हिसाब से आपने 2-2 ml देना है अपनी कैट को। साथ ही यहाँ पर मैं एक ऑयल भी आप लोगों को बताऊँगी, मेरेकल ऑयल प्लस आता है, ये हॉट स्पॉट पर लगाना होता है, इसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अगर आपकी कैट्स को हो गया है तो दिन में 3 से 4 बार आप लगा सकते हैं, वरना आप 2 बार ही इसे लगाए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर इसकी डिटेल दे रही हूँ। अब खाने में आपको किस बात का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो आपने फ़िश को स्किप करना है। जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो रॉ आपको चिकन और फिश तो उसे बिल्कुल भी नहीं देनी है। उसके अलावा जो मियाओ में फूड आता है उसमें चिकन होती है, तो आप कोशिश करो कि उसे वेज फूड दो। उसमें मियाओ में आपको वेज फूड मिलेगा, पहले तो आप वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि फ़िश आपको कम्प्लीटली स्किप करना है उसके खाने में से। और अगर आपकी कैट घर का खाती है तो कोशिश करें उसे ठंडा खाना दे, लाइक दही चावल, चावल में बिना नमक के चावल आपने बनाने हैं, और रोटी भी अगर वो लेती है तो बिना नमक की रोटी लेनी है। क्योंकि हेयर फॉल का एक रीज़न ये भी होता है कि अगर आप अपने कैट को खाने में नमक वाला खाना दे रहे हैं तो उससे भी उनके हेयर फॉल होना स्टार्ट होते हैं। सो इन सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। सो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है आपने। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इसी तरह के डेली अपडेट्स के लिए
ऑल पर क्लिक करना बेल नोटिफिकेशन को, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।